लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। मैं सान्या जी, नई नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गॉडसे ने तो गांधी को गोली मारी थी, लेकिन मौजूदा गॉडसे गांधी के हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हैं। ओवैसी ने यह बयान कल महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के मौके पर दिया। ओबीसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए औरंगाबाद में एक जनसभा के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए आतंकी दिल्ली में हमले की साजिश रच रहे हैं। जानकारी के अनुसार जैश के 4 आतंकवादी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि चारों के पास आधुनिक हथियार हैं। इंटेलिजेंस में मिली इस जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई इलाकों में छापेमारी कर रही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। SS लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद की रिमांड पेशी आज होगी। बता दें कि चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मामले में छात्रा और उसके दोस्त भी जेल में बंद हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में पिछले हफ्ते ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों, सिख समुदाय के लोगों, भारतीय मूल के अमेरिकियों और ह्यूस्टन इलाके के निवासियों समेत हजारों लोगों ने बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। धालीवाल को उनके साथी पुलिस अधिकारियों ने 21 बंदूकों की सलामी दी। CBI द्वारा खनन घोटाले के संबंध में 2 IAS अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें उनके पदों से हटा दिया है। दोनों अधिकारियों अजय कुमार सिंह और पवन कुमार को बुधवार रात प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया, जहां सिंह खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे। वहीं पवन कुमार आवास एवं शहरी विकास विभाग में विशेष सचिव थे। सोनभद्र के उनभा गांव के नरसिंहार के मामले में दूसरे पक्ष के 90 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये फैसला मामले में सुनवाई कर रहे सिविल जज ने दिया है। ACJM की कोर्ट में पीड़ित पक्ष के लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि केवल इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, एक बार पाकिस्तान की एक कायराना हरकत फिर से सामने आई है। बता दें कि जम्मू और कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पाकिस्तान रेंजर्स ने नागरिकों को निशाना बनाते हुए जमकर फायरिंग की। जमशेदपुर के वेल्डी चर्च स्कूल के प्रिंसिपल ने खेल खेल में जय श्री राम का नारा लगाने वाले अपने 17 विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिया है। लंच ब्रेक के दौरान 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक समूह स्कूल परिसर में खेल खेल में जय श्री राम का नारा लगा रहा था। बता दें कि प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता बताते हुए नारा लगाने वाले 17 विद्यार्थियों को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में ब्रेडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने का युद्धक विमान B-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में घायल हुए 6 अन्य लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर से छतरपुर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर रीछन नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर पानी में गिर गई। इस हादसे में 2 महिला और 1 बच्चे समेत कुल 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे में 19 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रशासन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।